जिस दिन की ये घटना है उस दिन मैं अवकाश पे था, और जो है जब मैं लौट कर आया अवकाश से वापस, तो ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया, जिसके पश्चात हम लोगों ने गहन तलाशी कराई। तलाशी में कंसर्निंग व्यक्ति जिसके माध्यम से ये वायरल होने वाली बात आई है, मोबाइल बरामद हुआ, जिसपे हम लोगों ने सिदारी थाने में एक FIR पंजीकृत कराया है, और लगातार हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है। हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि जेल की गरिमा को किसी भी तरह ठेस ना पहुँचे और इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो। लापरवाही तो निश्चित तौर पे है ही, लेकिन हम लोग लगातार फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी व्यवस्था में लूप होल्स हैं उसको खोज के हम लोग सुधारने के लिए लगातार जो है प्रयास में हैं कि ये चीज़ें ना हों, ना प्रवृत्ति ना हों इस तरह की चीज़ें। हाईटेक जेल तो है, खैर जैमर्स वगैरह की जो है वो 2G से 2G और 3G कवर कर पाते हैं, 4G मोबाइल्स हैं तो संभवतया शायद ये भी कहीं ना कहीं लूप होल तो है ही, और स्टाफ कम है तो सर्चिंग हम लोग इतने प्रभावी तरह से नहीं कर पाते हैं, मानवीय भूल या फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो हम लगातार प्रयास में हैं कि भाई जितना उपलब्ध संसाधन है हम उसी में से मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। स्टाफ तो क्योंकि 350 के सापेक्ष जो स्टाफ है उसी के मुकाबले आधा है, और वर्तमान में ये जो नई जेल बनी है 1244 की कैपेसिटी की है, तो इसके सापेक्ष तो मुझे लगता है चौथा ही भी नहीं है। बिल्कुल संभवतः, क्योंकि भाई इतना ओवरवर्डन तो है ही है चीज़ें कहीं ना कहीं, तो हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि जो है इतने में ही हम अच्छा कर पाएँ।